आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद में तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद जनाब इंतखाब आलम और अब्दुल अजीज पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि मारूफ स्कॉलर व आईएएस कोच मिस्टर समीर अहमद सिद्दीकी 16 दिसंबर को आदिलाबाद का दौरा करेंगे। वो बदलते जमाने के साथ बदलते हमारे फ़राइज के उनवान से 16 दिसंबर बाद नमाज मगरिब सेंट्रल गार्डन TNGO's होम आदिलाबाद पर मुनक़द शुदनी प्रोग्राम को मुखातिब करेंगे। इन्होंने बताया कि जनाब समीर अहमद सिद्दीकी साहब हिंदुस्तान के अजीम स्कॉलर हैं जो नौजवानों की तालीम व तरक्की इन्हें आला तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन्होंने तलबा और औलिया तलबा से शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आदिलाबाद को अवाम को इत्तला दी जाती है कि ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रोग्राम सेंट्रल गार्डन पर हफ्ते के दिन शाम में 6 बजे से रखा गया है, एजुकेशनल अवेयरनेस पर, जिसे दिल्ली से आ रहे समीर सिद्दीकी इंटरनेशनल स्पीकर मुखातिब करेंगे। सारे ही अवाम को इसकी दावत दी जा रही है, जिसमें खास करके स्टूडेंट्स, तुलबा और तालिबात, गर्ल्स एंड बॉयज को ये सुनहरा मौका है आप लोगों के फ्यूचर को बनाने का। उनसे कई भी बातों को अपने अंदर अर्ज कर अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले आना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को अटेंड करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह आपको वहां से बहुत सारी मालूमात मिलेंगी जो आपकी जिंदगी में काम आएंगी। और पेरेंट्स को भी हम इस प्रोग्राम में आने की दावत दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को अगर आने का मौका मिलता है और आते हैं तो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प होगी और एजुकेशन में आगे से आगे बढ़ेंगे आप लोग। इस वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा है ह्यूमन वेलफेयर का। ये एक छोटा सा काम है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करें और ज्यादा से ज्यादा तेदाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं।